यूपी के बहराइच में पिछले 60 दिनों से भेड़ियों का आतंक जारी है। आदमखोर भेड़िए इंसानों पर हमला बोल रहे हैं और अब खंडवा में भी भेड़ियों की दहशत है। भेड़िए ने यहां 5 लोगों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। यूपी के बहराइच में बीते कई दिनों से भेड़ियों की दहशत जारी है और अब एमपी में भी खूंखार भेड़िए आतंक मचाने लगे हैं। यूपी के बाद अब एमपी में भेड़िए का खौफ है। खंडवा के मलगांव में भेड़िया शिकार पर निकला है। यहां भेड़िए ने 5 लोगों पर हमला बोल दिया, किसी को हाथों में काटा, किसी का सिर फूट गया। अफरा तफरी का माहौल था। आधी रात के बाद हुए हमले से लोग दहशत में आ गए, इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद लोग एकजुट हुए और भेड़ियों को पकड़ने की ठानी। कोशिश कामयाब हुई, भेड़िया पकड़ में आ गया। भेड़िया के हमले में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। भेड़िया तो पकड़ा गया लेकिन लोग अभी भी डरे हुए हैं। प्राथमिक जांच में जो फोटोग्राफ हमें प्राप्त हुए उसमें वन्य जीव की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, परंतु जो ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि सुबह 5 से 6 बजे के समय प्रातः वो लोग बाहर सो रहे थे, उस समय उनके द्वारा हमला किया गया। एक महिला के सिर पर चोट आई है, उसके अलावा किसी की बाहों में, किसी के हाथों पर काटा है और वो भाग गया, ये बताया जा रहा है। मामले की छानबीन के लिए हमारा स्टाफ मौके पर पहुंच चुका है। ऐसे जांच के बाद में जो भी तथ्य सामने आते हैं हम आपके सामने रखेंगे। एक भेड़ियों को तो पकड़ लिया गया लेकिन क्या इलाके में सिर्फ एक ही भेड़िया है? यूपी में भेड़ियों का पूरा झुंड उत्पात मचा रहा है। बहराइच से जो तस्वीरें आ रही हैं, लोग उन्हें देखकर डर रहे हैं। यहां पिछले 60 दिनों में आदमखोर का आतंक लगातार जारी है। इन भेड़ियों के मुंह इंसान का खून लग चुका है, जिसके बाद वो और भी घातक हो गए हैं। खूनी भेड़िए ने बहराइच में एक बार फिर 8 साल के एक बच्चे पर हमला किया है। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बच्चे को छोड़कर भेड़िया भाग गया। बहराइच के 50 गांवों में आदमखोर भेड़ियों की तलाश जारी है। इस बीच वन विभाग के ड्रोन में भेड़िया कैद हुआ है। बहराइच के आसपास के गांवों में ड्रोन से भेड़िए की तलाश जारी है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटे वन विभाग के हाथ अब तक खाली हैं। ऑपरेशन आदमखोर के लिए प्रशासन ने कई एक्सपर्ट की टीम लगाई है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए नया प्लान तैयार किया गया है। बहराइच में भेड़िए बहुत तेजी से लोकेशन बदल रहे हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। शातिर भेड़ियों को पकड़ने के लिए रात भर गश्त की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कल यानी गुरुवार की शाम को ये तस्वीर कैद हुई। इसमें 2 भेड़िए कैमरे पर देखे जा सकते हैं। ये दोनों भेड़िए न्यूज 18 इंडिया की टीम को बहराइच के पूरे प्रसाद गांव में स्पॉट हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात है कि दावा किया जा रहा है कि इलाके में 6 भेड़िए दिखे थे, जिसमें से 4 को पकड़ लिया गया, 2 अभी पकड़ से बाहर हैं और उनमें से एक भेड़िया लंगड़ा है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में गुरुवार को जो 2 भेड़िए नजर आए हैं वो बिल्कुल ठीक है, इन दोनों में लंगड़ा भेड़िया नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 2 से ज्यादा भेड़िए बहराइच के गांवों में हमलों को अंजाम दे रहे हैं। खंडवा में भी लोग डरे हुए हैं, उन्हें डर है कि इलाके में और भेड़िए भी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे जंगलों से निकलकर गांवों में, खेतों में और अब शहरों की तरफ भेड़िए बढ़ रहे हैं। 60 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है लेकिन आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अंत अब तक नहीं हो सका है, तो खंडवा में भी भेड़ियों की तलाश की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उमरिया के एक स्कूल ने अजब कारनामा किया है। स्कूल में एडमिशन के वक्त बच्चों के माता पिता के नाम लिखे जाते हैं, लेकिन इस स्कूल ने माता पिता की जगह दादा दादी का नाम लिख दिया। अब इसके बाद छात्र और परिजन परेशान है। नाम किसी इंसान की पहचान होती है, लेकिन कानूनी पहचान के लिए माता पिता का नाम भी जरूरी है। स्कूल में एडमिशन से लेकर नौकरियों के आवेदन तक, वोटर आईडी से लेकर आधार कार्ड तक, हर जगह खुद के नाम के साथ माता पिता के नाम की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर सरकारी फॉर्म में माता पिता के नाम का कॉलम रहता है। अगर किसी सरकारी कागज में माता पिता का नाम गलत हो तो काफी परेशानी हो जाती है। उमरिया का ये स्कूल देखिए, स्कूल ने अजब खेल कर दिया। बच्चों के माता पिता के नाम ही चेंज कर दिए। स्कूल में एडमिशन के वक्त छात्रों के माता पिता का नाम लिखने की जगह उनके दादा दादी का नाम दर्ज कर दिया गया। दादा दादी को कागजों में बच्चों का माता पिता बना दिया गया। दादा और दादी का नाम है, मम्मी पापा का नहीं। गड़बड़ी यही है, नाम नहीं है उसमें रजिस्टर में। पिता का नाम किसका है? पिता के नाम दीनदयाल रजक का है। पिता मेरे पिताजी के नाम है, बाबा का नाम। पिता की जगह बाबा का नाम है। क्या सुधार नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। स्कूल में
ये जो रिकॉर्ड है उसमें दादा और दादी का नाम चढ़ा है। किसकी बात कर रहे हो? ये स्नेहा साहू की बात। ये आपकी बेटी है? जी। अच्छा, इसके माता पिता की जगह ये दादा दादी का नाम चढ़ा है। उमरिया के चांदपुर गांव के सरकारी स्कूल ने कारनामा किया है। किसी एक छात्र के माता पिता के नाम के साथ ऐसी गलती होती तो माना जा सकता था कि गुरुजी से गलती हो गई, लेकिन यहां तो स्कूल के आधे से ज्यादा छात्रों के माता पिता के नाम गलत लिखे गए। स्कूल में 100 से ज्यादा छात्र हैं, जिनमें से 60 छात्रों के माता पिता के नाम की जगह उनके दादा दादी का नाम लिख दिया गया। छात्रों की पढ़ाई जारी रही, ये क्लास 1 से 8वीं तक पहुंच गए। वो तो भला हो स्कूल में आए नए हेडमास्टर जेपी सोनी का, जिन्होंने प्रभार लेते ही गलती पकड़ ली और छात्रों के नाम उनके माता पिता के नाम, जन्मतिथि, आधार, समग्र और खाता नंबर में गड़बड़ी की ना सिर्फ पुष्टि की बल्कि इसे दुरुस्त करने उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन भी मांगा। एजुकेशन पोर्टल पर शिक्षा सत्र 2023-24 में जो दर्ज वर्तमान सत्र में अध्ययनरत 113 छात्रों का मैंने मिलान किया, उसमें से लगभग 60 छात्र ऐसे निकले जिनकी जन्मतिथि, माता पिता या कि छात्र के नाम कुछ न कुछ अंतर पाया गया। पूरे मामले में जब सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख से चर्चा की गई तो वो भी दंग रह गए। जल्द ही जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त कराने का भरोसा दिया गया है। जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही उनके स्कॉलर में समस्त रिकॉर्डों की एंट्री हो जाएगी और उसी के आधार पर उनके समग्र आईडी और आधार के सुधार के लिए प्रक्रिया के लिए मेरे द्वारा आदेशित किया जाएगा। स्कूल में आखिर ऐसे गलती कैसे हुई? 60 छात्रों के माता पिता के नाम कैसे गलत लिखे गए? उम्मीद है अधिकारी जल्द ही नाम ठीक कर लेंगे। दादा दादी की जगह बच्चों के माता पिता के नाम लिख दिए जाएंगे। विजेंद्र तिवारी, न्यूज 18, उमरिया। यूपी के अमरोहा में एक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे का नाम काटे जाने पर बवाल बढ़ गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने नॉनवेज लाने पर नर्सरी में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया था। प्रिंसिपल ने दावा किया कि बच्चे ने स्कूल में सभी बच्चों को मुसलमान बनाने की बात कही थी। इसके बाद स्कूल ने बच्चों को सस्पेंड किया और इस घटना के बाद बवाल बढ़ गया। स्कूल में नॉनवेज लेकर आया छात्र। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर, 3 महीने से हमारे है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, तोड़ेंगे। सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्र को सस्पेंड कर दिया। बच्चा आपका कह रहा है इस चीज में नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज खा करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। यूपी के अमरोहा में नर्सरी में पढ़ने वाले एक मुस्लिम बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने दावा किया कि बच्चा स्कूल में नॉनवेज लेकर आया था, बच्चों को नॉनवेज खिलाकर मुसलमान बनाने की बात कह रहा था। बताया गया कि इसके बाद बच्चे की माँ स्कूल पहुंची थी, बच्चे का नाम स्कूल से काटने पर प्रिंसिपल से सवाल पूछे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। आपको सुनना चाहिए कि प्रिंसिपल ने नाम काटने की क्या वजह बताई। क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना, हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर, 3 महीने से हमारे है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, तोड़ेंगे। सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज में नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज खा करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। बच्चे का नाम स्कूल से कटने के बाद उस इलाके में टेंशन बढ़ गई जहाँ बच्चा और उसका परिवार रहता था। परिवार के लोग प्रिंसिपल पर एक्शन की मांग को लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे। कांग्रेस के नेता मेराज हुसैन परिवार से मिलने पहुंचे। तो वीडियो में प्रिंसिपल ऐसा कह रहा है ना? हाँ, हाँ, प्रिंसिपल पता नहीं क्यों आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। हमारे भी समझ में नहीं आ रही। 2 तारीख को बच्चा स्कूल गया, ठीक है, तो इनको असेंबली तो हो गई थी, असेंबली के बाद इन्हें बुलाया, पहले पता नहीं मारा है, जो भी करा हो इन्होंने, इसकी वीडियो बनाया। बच्चे के परिवार ने स्कूल पर बच्चों से भेदभाव का आरोप लगाया है और दावा किया है कि स्कूल में हिंदू मुसलमान जैसी बात होती है। उधर स्कूल के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि नर्सरी का छात्र बाकी बच्चों को परेशान करता है। शाहरुख खान, विराट कोहली ये सिर्फ शानदार एक्टर, दमदार क्रिकेटर ही नहीं है, टॉप टैक्स पेयर भी हैं। टैक्स पेयर एक्टर और क्रिकेटर्स की लिस्ट में टॉप पर हैं। लिस्ट में और कौन से सुपरस्टार शामिल हैं देखिए।
शाहरुख खान, थलापति विजय, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, रणवीर कपूर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इनमें क्या कॉमन है? ये सभी मशहूर एक्टर और क्रिकेटर तो हैं ही, टैक्स देने के मामले में भी ये टॉप पर हैं। जी हाँ, देश के टॉप टैक्स पेयर्स की लिस्ट में इनका नाम है। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान तो टैक्स देने के मामले में भी किंग हैं। 2023-24 के दौरान ये टैक्स चुकाने वाले टॉप एक्टर हैं। किंग खान के बाद इस लिस्ट में तमिल सुपरस्टार थलापति विजय का नाम है। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रणवीर कपूर और ऋतिक रोशन भी टॉप टैक्स पेयर्स एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हैं। तो आइए आपको बताते हैं किस एक्टर ने कितना टैक्स जमा किया। नंबर एक पर शाहरुख खान 92 करोड़, नंबर दो पर थलापति विजय 80 करोड़, नंबर तीन पर सलमान खान 75 करोड़, नंबर चार पर अमिताभ बच्चन 71 करोड़, नंबर पांच पर अजय देवगन 42 करोड़, नंबर छह पर रणबीर कपूर 36 करोड़, इसके अलावा ऋतिक रोशन 28 करोड़ और कपिल शर्मा ने 26 करोड़ का टैक्स दिया है। 92 करोड़ रुपए टैक्स चुकाकर शाहरुख खान टैक्स पेयर एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर हैं। 2023 में शाहरुख खान की नेटवर्थ में 1300 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 2022 में शाहरुख की नेटवर्थ 5116 करोड़ रुपए थी, जिसमें जवान और पठान की कामयाबी के बाद 8% की बढ़ोतरी हुई। शाहरुख की फिल्म पठान ने 1050 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। एक्ट्रेस करीना कपूर देश की सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाली फीमेल एक्ट्रेस हैं। 2024 में इन्होंने 20 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। इस लिस्ट में वो शाहिद कपूर और साउथ स्टार मोहनलाल से भी ऊपर हैं, जिन्होंने 18 करोड़ टैक्स चुकाया। फॉर्च्यून की लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम टॉप 20 में भी नहीं है। पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2022-23 में उन्होंने 25 करोड़ रुपए टैक्स चुकाया था। 2023 में वो सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले एक्टर भी थे। क्रिकेटर भी टैक्स जमा करने के मामले में पीछे नहीं है। इस मामले में इस बार भी टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का नाम है। विराट कोहली के बाद टैक्स पेयर क्रिकेटर्स की लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर का नाम है। इन्होंने कितना टैक्स चुकाया वो देख लीजिए। नंबर एक पर विराट कोहली 66 करोड़, नंबर दो पर महेंद्र सिंह धोनी 38 करोड़, नंबर तीन पर सचिन तेंदुलकर 28 करोड़ और नंबर चार हैं सौरभ गांगुली 23 करोड़। विराट कोहली टैक्स के मामले में भी विराट हैं। कोहली की नेटवर्थ 1000 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है, तो धोनी की नेटवर्थ भी 1000 करोड़ के पार है। ये एक्टर और ये क्रिकेटर कमाई के मामले में भी दमदार हैं, तभी तो टॉप टैक्स पेयर्स की लिस्ट में इनका नाम शुमार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर ने दो लड़कियों के साथ बदसलूकी की, इस घटना का वीडियो सामने आया है। दरअसल लड़कियों ने ऑटो बुक किया था, लेकिन बाद में राइड कैंसिल कर दी गई। इसकी वजह से ऑटो चालक गुस्से में आया और उसने थप्पड़ तक चला दिया। गलती से कैसा होता है गलती? आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू की बात बोलिए मुझे। आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे, हम कंप्लेन कर देंगे। आपने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? आज क्या स्टेशन क्या मारा मुझे? स्टेशन क्या क्या मारा मुझे? स्टेशन क्या क्या? कौन होते हो आप थप्पड़ मारने वाले? सड़क पर हंगामा मचा हुआ है। एक ऑटो ड्राइवर बुरी तरह आग बबूला है। गलती से कैसा होता है गलती? आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, गलती कैसा होता है? आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर। वो ऑटो पर बैठी लड़कियों से बदसलूकी पर उतर आया। हाईटेक सिटी बेंगलुरु से ये हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक ऑटो ड्राइवर ने दो लड़कियों से अभद्रता कर दी। क्या हो गया? तो कर दिया। आप कैंसिल नहीं करते कभी हम लोग का राइड? आप लोग नहीं करते कैंसिल किया है ना, तो हमारी क्या गलती हो गया? दो तो और क्या हो गया? रुक, आज चल पुलिस स्टेशन को। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मर्जी, मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना होगा नहीं जाऊंगी। मैं अलग पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। दरअसल दो लड़कियों ने ऑटो बुक किया था, लेकिन बाद में उन्होंने किसी वजह से राइड को कैंसिल कर दिया। जिस जगह पर ऑटो चालक को बुलाया गया था वो वहां पहुंच गया। लड़कियां दूसरी ऑटो में बैठ गई थी। इसके बाद तो उसने अपना आपा पूरी तरह खो दिया। राइड कैंसिल होने पर ऑटो ड्राइवर बुरी तरह भड़क गया। वो दूसरे ऑटो में बैठी लड़कियों से झगड़ा करने लगा, उन पर जोर से चिल्लाने लगा। लड़कियों ने उससे पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो ऑटो ड्राइवर ज्यादा आक्रोश में भर गया। इसके बाद तो वो लड़की से फोन भी छीनने लगा। आरोप है कि इस दौरान लड़की को थप्पड़ भी लग गया। कंप्लेन कर देंगे।
गलती से कैसा होता है गलती? आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं गलती कैसा होता है बोलो? आप चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ तेरे बाप देते हैं क्या गैस? यहीं पे था भैया, 1 मिनट दूरी था आपको ऑटो। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीज़ें मत बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आ जाओ, चल पुलिस के पास चल। बात संभलने की जगह बिगड़ती चली गई। वहाँ पर मौजूद लोग भी उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसके ऊपर तो असर ही नहीं हुआ। बाद में लड़की ने उससे थप्पड़ मारने की वजह भी पूछी, लेकिन उसका पारा सातवें आसमान पर था। ठीक है, ये फालतू चीज़ें मत बोलिए मुझे। गलती से कैसा होता है गलती? आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं गलती कैसे होता है बोलो? आप चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ तेरे बाप देते हैं क्या गैस? यहीं पे था भैया, 1 मिनट दूरी था आपको ऑटो। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीज़ें मत बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आ जाओ चल पुलिस के पास चल। क्या हो गया तो कर दिया? आप कैंसिल नहीं करते कभी हम लोग का राइड? आप लोग नहीं करते कभी कैंसिल किया है ना? तो हमारी क्या गलती हो गया? दो तो और क्या हो गया? रुक आज चल पुलिस स्टेशन को। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मर्जी, मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना होगा नहीं जाऊंगी। मैं अलग पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। थप्पड़ क्यों मारा मुझे? आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है। इस दौरान घटना का वीडियो लड़की की दोस्त ने बना लिया। बाद में लड़की ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ऐप को टैग करते हुए इस घटना की शिकायत की और वो वीडियो भी पोस्ट कर दिया। कहा सुनी और बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए ऑटो चालक आर मुथुराज को अरेस्ट कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। कल से गणेशोत्सव शुरू होने वाला है। देश भर में तैयारियां चल रही हैं। बप्पा के आने पर लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। बाजार में गणपति की मूर्तियां सजने लगी हैं। वहीं मुंबई में लालबाग के राजा का भी पंडाल सज गया है। अगले 10 दिनों तक देश की अलग अलग जगहों पर गणपति उत्सव को धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहां गणपति उत्सव का अलग ही आकर्षण दिखाई देता है। बप्पा के हर साल आने का उनके भक्त को इंतजार रहता है। जीवन में खुशहाली बनी रहे इसकी कामना के लिए लोग बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। मुंबई में विघ्नहर्ता के लिए बड़े बड़े पंडाल सज चुके हैं। मुंबई के लालबाग के राजा की अलग ही महिमा है। उनकी पहली झलक भी दुनिया के सामने आ चुकी है। सिर पर स्वर्णिम मुकुट, लाल धोती, मूर्ति में गणपति का तेज देखते ही बनता है। बप्पा के पहले दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उनके भक्त पहुंचे। उन्होंने दिल खोलकर अपने आराध्य का स्वागत किया। इस दौरान लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा लाल बाग के राजा ही चर्चा में रहते हैं। यह दक्षिण मुंबई में सबसे प्रसिद्ध गणेश मंडल में से एक है। लाल बाग के राजा की ख्याति दूर दूर तक है। इनके दर्शन मात्र के लिए श्रद्धालु लालाहित रहते हैं। मान्यता है कि लाल बाग के राजा लोगों की मनोकामना को पूरा करते हैं। दूर दूर से इनके दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं, जिसमें जानी मानी हस्तियां भी शामिल होती हैं। इनके दर्शन करने के लिए कई किलोमीटर लंबी कतारें लग जाती हैं, जो लाल बाग के राजा के प्रति लोगों की आस्था को दर्शाता है। गणपति की मूर्ति का विसर्जन गिरगांव चौपाटी में 10वें दिन किया जाता है। लालबाग के राजा सभी गणेश भक्तों के आराध्य देवत बन चुके हैं और इस बार लालबाग का राजा का दरबार जो सजा हुआ है वो है मयूर महल में। और इस मयूर महल में हम देख सकते हैं कि किस तरह से मयूर आसन पर लालबाग का राजा जो है विराजमान हो चुके हैं। और इस बार की जो खास वैशिष्ट्य बताया जा रहा है वो है लालबाग के राजा के जो शिरों पर हम देख सकते हैं कि एक राज मुकुट सोने का वो यहाँ पर पहनाया गया है। और इस बार का जो खास जो वैशिष्ट है इसी बात को कहा जाता है, क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन के तरफ से ये जो राज मुकुट है वो लालबाग का राजा के चरणों पर अर्पण किया गया है। इसी के साथ पूरे देश में गणपति उत्सव की धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। लोग विसर्जन के लिहाज से मिट्टी की मूर्तियां लेना पसंद करते हैं। गणेश जी के बाल रूप का भी काफी क्रेज देखा जा रहा है।
है, बट इस साल स्पेशल बात यह है कि हम पर्यावरण का के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए शाडू माटी का गणेश जी की मूर्ति लेने का हमने डिसाइड किया है, क्योंकि वो पर्यावरण के लिए भी सही है और एक विसर्जन जो है वो हम नगर पालिका के इसमें जब जमा करते हैं मूर्ति तो उनके हाल बाद में जो होते हैं वो देखा नहीं जाता है, तो इसीलिए ये साल से तो मतलब पहले भी शाडू माटी का लेते लेकिन ये साल से तो डिसाइड कर ही चुके हैं कि हम शाडू माटी की मूर्ति लेंगे इको फ्रेंडली ऐसे। मुंबई में गणेश उत्सव पर बप्पा के दर्शन के लिए जीएसबी सेवा मंडल की गणेश प्रतिमा भी सामने आ गई है जो आकर्षण के केंद्र में रहने वाली है। एक 521 वाली मूर्ति खरीदी की है और मैं ये लेके जाने वाला हूँ मेरे घर पे गणपति का उत्सव मनाने वाला हूँ। कितने साल से आप? मैं पिछले 20 साल से गणपति का उत्सव मेरे घर पे जोर शोर से मनाता हूँ और सब लोग गणपति के आरती के लिए दर्शन के लिए मेरे घर पे आते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर हैं। गजानन की आकर्षक मूर्तियां मन मोह रही हैं। हैदराबाद के बाजार भी गणपति की मूर्ति से सज चुके हैं, यहां इको फ्रेंडली गणपति बनाए गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी गणपति उत्सव की तैयारियां आखिरी चरण में है। कलाकारों ने अपना कला का प्रदर्शन करते हुए गणपति की मूर्ति बनाई है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में गणपति उत्सव के रंग बिखरे हुए हैं। वहीं उत्तर भारत का प्रसिद्ध चंदौसी का गणेश चतुर्थी मेला शुरू हो गया है। गणेश मंदिर में गणपति की मूर्ति को स्थापित किया गया। 7 सितंबर को गणेश भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।